झारखंड में रोजगार को लेकर इन दिनों घमासान मचा हुआ है और वैसे में शिक्षकों की नियुक्ति और 65,000 पारा शिक्षकों की मांग के मामले को लेकर स्थिति स्पष्ट होता नहीं दिखते हुए मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। मामला है 2016 के लिए शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया की, जिसमें कि एडवर्टाइजमेंट फॉर हायर स्कूल की 2017 में एग्जाम हुआ और 2018 के सितंबर से दिसंबर तक रिजल्ट प्रकाशित हुआ, 2019 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, 2020 में फाइनल रिजल्ट और 2021 में एचआरडी को 626 डॉक्यूमेंट्स भेजी गई। फाइनल मेरिट लिस्ट 11 गैर अनुसूचित जिलों के 90% छात्र शिक्षक में ज्वाइन कर चुके हैं, बाकी 10% इतिहास और नागरिक विषय को रोक दिया गया। आज यह सभी शिक्षक अभ्यर्थी दर बदर भटक रहे हैं और धरना प्रदर्शन और सभी पार्टी कार्यालय और जेएसएससी सचिवालय के समक्ष आए दिन प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। वही 1100 की संख्या में 2016 के 6 विषयों के शिक्षकों के एग्जाम तो हुए लेकिन मेरिट लिस्ट ही नहीं निकले, जिसके कारण शिक्षक अभ्यर्थियों ने कांग्रेस कार्यालय में आए दिन प्रदर्शन किए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद भी नियुक्तियों को लेकर आखिर मामले कहां अटक रहे हैं, इन पर मुख्यमंत्री खुद शिक्षा मंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री के कई महीनों तक तबीयत खराब होने से पारा शिक्षकों के मांगों पर विचार नहीं किए जा रहे थे। लेकिन अब उम्मीद है कि शिक्षा मंत्री स्वस्थ होकर जब वापस कार्य पर लौट चुके हैं तो उन्होंने आश्वासन दिया कि सबसे पहले पारा शिक्षकों के फाइल को देखते हुए वह कदम उठाएंगे। वही 65,000 पारा शिक्षकों की 3 मांग जो कि 18 सालों से वह कर रहे हैं, पारा शिक्षकों की अस्थायीकरण, वेतनमान, कोरोना काल में पारा शिक्षकों की 50 से अधिक की संख्या में मौत को लेकर मुआवजा देने की शिक्षा विभाग को लगातार पत्र लिखकर मांग कर रहे हैं, नहीं तो 15 अगस्त के बाद आंदोलन करने की बात कह रही है। सरकार के समक्ष जो 18 साल पुराना डिमांड है पारा शिक्षकों का स्थायीकरण और वेतनमान का, उसको पूरा करने के लिए गुहार लगाया जाएगा। चूँकि राज्य सरकार अभी तक जब से सरकार बनी है पारा के शिक्षकों के प्रति गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। पारा शिक्षकों ने पुनः 15 अगस्त के बाद उग्र आंदोलन की ओर बढ़ने पर विचार कर रहा है। ऋषिकेश पाठक, राज्य इकाई सदस्य, एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 30 जुलाई को शिक्षा विभाग के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिसमें कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के कार्यों की समीक्षा करेंगे। बैठक में शिक्षक नियुक्ति नियमावली, आदर्श विद्यालय स्थापना, आकांक्षा योजना के बेहतर संचालन, किताबों की समय पर छपाई व वितरण, पारा शिक्षकों से संबंधित मामले, बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए की गई व्यवस्था एवं मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित मामलों की समीक्षा की जाने की चर्चा की है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।